हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन योर ओन चैनल स्टडी विद रोशन। आज हम एक क्यूब रूट के ट्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि किसी भी वर्ड, बड़े से बड़े वर्ड, ये तो बहुत छोटे वर्ड्स हैं, बहुत छोटे डिजिट्स हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा डिजिट में आपको मैं क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा, और वो भी ज्यादा टाइम, सिर्फ 4, 5 या 6 सेकंड में। इससे ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा क्यूब रूट निकालने में। वैसे अगर आप क्यूब रूट ऐसे नॉर्मल निकालने जाएंगे तो आपको आसानी से 6-7, अगर आप तेजी से करेंगे तो भी आपको 7 से 8 मिनट लगते हैं। लेकिन इस ट्रिक से आप इसको सिर्फ 7-8 मिनट नहीं, 7-8 सेकंड में कंप्लीट करोगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ क्यूब रूट्स याद करने पड़ेंगे, जैसे 1 से लेकर 10 तक के। सिर्फ अगर आप 1 से लेकर 10 तक के क्यूब रूट याद कर लेते हैं तो फिर बड़े से बड़ा क्यूब रूट सिर्फ कुछ सेकंड्स में आप उसे निकाल देंगे। तो आइए इसको देखते हैं कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लास्ट डिजिट आपको देखनी है, 3 को अंडरलाइन करना है। क्यूब रूट निकालने का मतलब क्या होता है, पावर 1/3। तो अगर आपको इसका क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले 3 को हम करेंगे अंडरलाइन। अब देखना 7 किसके बाद में आता है, तो 7 आता है 3 के बाद में, किसके, 3 के। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 3, क्या आ गया, 3। अब देखना है 9 से छोटा कौन सा क्यूब रूट होता है, 9 से छोटा कौन सा क्यूब रूट होता है, 8, और 8 का क्या होता है, 2। तो आपका आंसर कितना जाएगा, 23 हो गया आंसर। अगर आइए इसकी ओर बढ़ते हैं, सबसे पहले हम 3 डिजिट को करेंगे अंडरलाइन। 4 किसके बाद में होता है, 64, यानी कि 4 के बाद में। तो यहां पर आ गया हमारा 4। अब बचा सिर्फ 2। अब देखते हैं 2 से छोटा क्यूब रूट, तो 2 से छोटा क्यूब रूट सिर्फ 1 ही होता है, तो इसका आ गया 1। तो आंसर कितना आ गया, 1 और 4 14। अब इसकी ओर बढ़ते हैं, ये 4 डिजिट में थे, अब थोड़ा सा बड़ा है 5 डिजिट में, लेकिन करना हमें वही है। सबसे पहले 3 को करेंगे अंडरलाइन। 3 को अंडरलाइन करने के बाद देखिए 8 किसके बाद में आता है, तो 8 आता है 2 के बाद में, तो यहां पर आ जाएगा 2। और 32 से छोटा क्यूब रूट, 32 से छोटा क्यूब रूट है हमारे पास 27, तो 27 का क्या आ जाएगा हमारा, 3। तो आंसर आ गया 32। आइए कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। तो अगर आप देखो, पहले आप 4, 5 डिजिट के जो क्यूब रूट्स हमने निकाल के देखते हैं, करना वही है, सारे तरीके वही है हमारे। सबसे पहले क्यूब आप सेलेक्ट करके, बाद में है 4, तो बाद में जब 4 है तो सीधी सी बात याद रख लो, 4 ही रहता है, क्योंकि 4 और 4 कई चीजें सेम रहती है। जैसे 4 रहेगा तो 4 ही रहेगा, 5 रहेगा तो 5 ही आएगा, 6 रहेगा तो 6 ही आएगा, 9 रहेगा तो 9 ही आएगा। तो बाद में क्या है, 4 है, तो 4 आ गया। अब उसके बाद है हमारे पास 39 है, तो 39 किससे छोटा क्यूब रूट है, 39 से छोटा हमारे पास क्या है, 27 है। 39 से छोटा हमारे पास क्या है, 27, और 27 का क्या होता है, 3 होता है, तो 3। तो आंसर कितना आ गया, 34। ऐसे ही नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अब इसे देखेंगे 336 बताया था, अगर 6 रहता है तो 6 ही आता है, अगर 6 रहता है तो 6 ही आता है, 6 आ गया। बचे 97 किससे छोटा है, 97 से छोटा क्या है, 64, और 64 किसका होता है, 4 का होता है। तो आंसर कितना आ गया, 4 और 6 46। अब आगे बढ़ते हैं 59319, अभी हम 5-5 डिजिट का कर रहे हैं, इसके बाद 6-6, 7-7 डिजिट का करेंगे, और बड़े करेंगे, और टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 319, बाद में क्या है, 9, तो 9 का क्या रहेगा, 9 ही रहेगा, 9 है तो 9 ही रहेगा। फिर क्या है, 59 से छोटा, 27, और 27 का क्या होता है, 3। तो आंसर कितना आ गया, 39। तो अब देखिए हमें इन क्वेश्चनों को निकालना है क्यूब रूट, तो सबसे पहले 3 को करेंगे अंडरलाइन। 9 किसका होता है, 729 का होता है, तो 729 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 205 आप देख सकते हैं, 9 किसके बाद में आ रहा है यहाँ, तो इसका आंसर होगा 9। अब बात करते हैं 205, 205 किससे छोटा है, तो 205 है, 205 से छोटा क्या है, 125, 205 से छोटा है 125, तो इसका आ जाएगा 5। तो ये आ गया आपके पास आंसर 59। अब आप आगे देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, 3 को करेंगे अंडरलाइन। 6 कहां पर है, यहां पर, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6, ये 6 हो गया हमारे पास। अब 438 से छोटा क्यूब रूट, तो 438 से छोटा क्या होगा,
343 और 343 का क्या आंसर आएगा हमारे पास 7 आएगा, तो ये हो जाएगा 76। ये हमारी 6-6 डिजिट पे थे और आगे बढ़ते हैं 7-7 डिजिट की क्यूब रूट को निकालते हैं। बस कुछ नहीं करना, यूं ही लगे रहना है। आखिरी में क्या है 9 है तो 9 आएगा और बचा 1295। 1295 से छोटा क्यूब रूट, तो 1295 से छोटा होता है 1000, तो 1000 का क्या होता है हमारे पास आंसर 10, तो इसका आ जाएगा आपके पास 109। तो अब देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी डिजिट के नंबर, यानी कि लगभग 7-7 डिजिट के नंबर्स है और करने का तरीका वही है, हम इतने बड़े बड़े क्यूब रूट यूनिक चिट्ठियों में निकालते चलेंगे। तो इधर इनका क्यूब रूट निकालने का सबसे पहले वही 159 के पीछे क्या है 9, तो 9 का हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं कि 9 ही होता है क्योंकि 9। अब आते हैं 1685, थोड़ा सा बढ़ गया इसलिए हमने यहाँ पर अपने 11, 12 और 13 के लिख लिए हैं। 1685 से कम क्या है 13, 31, तो क्या जाएगा 11, तो इसका आंसर क्या जाएगा 119। आगे बढ़ते हैं, 3 को किया 1, किसके बाद में 1 का क्या होता है 1 ही होता है 2248 से छोटा, तो 2248 से छोटा क्या है 2197, यानी कि 13, क्या हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 13 और 1 131। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है इसके बाद 45 6, आखिरी में क्या है 6, तो 6 का क्या होता है 6 ही होता है, तो इसका तो आ गया हमारा 6। अब बचा 25 15, तो 25 15 से छोटा हमारा क्या होता है 2197 ही होता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 13 और 6 136। तो आपके ये हो गए क्वेश्चंस। अगर आप इसे और भी बड़े करना चाहते हैं तो तरीका आपका यही लगेगा, और अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई है तो लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी अलग ट्रिक के बारे में आपको जानना हो तो उसके लिए कमेंट कीजिए और साथ ही साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।